हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो, फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वन डे वन टॉपिक सीरीज रन कर रहे हैं, और आपने जैसे मुझसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स की भी करवा दीजिए, जो मैं उसी को आगे लेके चल रही हूँ। ऑलरेडी हम एक वीडियो उस पर कवर कर चुके हैं, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स हमने पढ़ लिया है, और आज हम इस वीडियो में करने वाले इन्फीरियर एंड डिफरेंट गुड्स को कम्प्लीट। जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप वो वाली वीडियो को कवर कीजिएगा, तब आज की वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमने प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को उसमें अच्छे से समझा था। तो पहले आप उसको समझिएगा, देन आज आप इन्फीरियर एंड डिफरेंट गुड्स को समझ पाएंगे। तो सीधे चलते हैं और देखते हैं कि इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर मतलब होता है जो हल्की क्वालिटी का होता है, जो सस्ते में हमें मिल जाता है। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर लेसर इन क्वालिटी, जो क्वालिटी वाइज थोड़े हल्के होते हैं और हमें सस्ते में मिल जाते हैं। दीज आर लेसर इन क्वालिटी एंड चीपर इन प्राइस, जो मुझे सस्ते में मिल जाते हैं इजिली। जैसे कि ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड घटेगी अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जाएगी, इन गुड्स की जो डिमांड होगी मार्केट में वो घटती चली जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल खुद सोचो, अगर मैं आज या और कुछ चीज नहीं कर सकती हूँ और कल की डेट पे मेरी इनकम बढ़ जाती है, तो जो चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकती होंगी मैं वही तो परचेज करूंगी और मैं सस्ती वाली चीज को छोड़ दूंगी। तो इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हूज डिमांड डिक्रीजेस व्हेन कंज्यूमर की इनकम राइजेस। आपको एग्जाम्पल देके और समझा देती हूँ। इन्फीरियर गुड्स में क्या क्या चीजें आती है, लाइक बस ट्रैवलिंग, रोड साइड स्टॉल्स पे जो भी सामान मिलता है उसको भी इन्फीरियर गुड्स कह सकते हो। जैसे कि अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मैं रोड साइड से क्यों सामान खरीदना पसंद करूंगी, मैं फिर शोरूम्स में जाऊंगी, वहां से सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को कंज्यूम करना ज्यादा प्रेफर करूंगी। तो इन्फीरियर गुड्स आपको समझ आ गया, जो थोड़े से सस्ते क्वालिटी के होते हैं, जो सस्ते में मिल जाते हैं और हल्की क्वालिटी के होते हैं, उनको हम इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे कि कल भी आपको एक चीज समझाई थी कि इन गुड्स में इनकम इफेक्ट कैसा रहता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या रहता है, प्राइस इफेक्ट क्या रहता है, तो ये सारी चीजें आज भी हम पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम इफेक्ट को। इनकम इफेक्ट, अब देखो इनकम इफेक्ट के केस में हमारा जो है प्राइस तो डिक्रीज ही हो रहा है। मैं मान के चल रही हूँ कि इन्फीरियर गुड्स के जो थे प्राइस वो गए डिक्रीज हो गए। फॉर सपोज यहाँ पे कार, जो बस की ट्रैवलिंग थी वो 100 रुपए से घट के 50 रुपए हो जाती है। डेली का मैं आना जाना 50 रुपए में कर सकती हूँ बाई यूजिंग बस। अब मैं क्या करूंगी, मेरी कंज्यूमर की रियल इनकम यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अब जब मेरे वो जो 100 रुपए का खर्चा जो मैं डेली बेसिस पे कर रही थी, अब वो मेरा 50 रुपए में ही हो जा रहा है, तो वहां से जो मेरे 50 रुपए बच रहे हैं, आप सोच रहे हो, तो अब मैं ये 50 रुपए कहाँ कंज्यूम कर सकती हूँ। मैं मे बी अब ये 50 रुपए एक दो दिन आना जाना मैं बस को छोड़ के क्या प्रीफर करूंगी, टैक्सी को ले सकती हूँ। तो यहाँ पे डिमांड, अगर हमारे प्राइस कम होते हैं, रियल इनकम बढ़ जाने पर डिमांड भी क्या होती है भाई, कम हो जाती है। किनकी, इंफीरियर गुड्स की, क्योंकि इंसान इंफीरियर गुड्स को छोड़ के सुपीरियर गुड्स की तरफ भागेगा, वो अच्छा कंज्यूम करना ज्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पे क्या रहता है हमारा इनकम इफेक्ट, वीकर इनकम इफेक्ट रहेगा। ठीक है, कैसा रहा, वीकर इनकम इफेक्ट रहा। और आप देखो यहाँ पे साइंस कैसे जा रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते थे, निगेटिव इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं, या फिर हम बोलते थे इनवर्स इफेक्ट जा रहा है। आपको वीकर समझ आया कि यहाँ पे मैंने वीकर पॉइंट क्यों लिखा है। वीकर का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पर बस को छोड़ के रोज टैक्सी से जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हम क्या करेंगे, कुछ दिन में भी टैक्सी को प्रेफर कर लेंगे कि चलो आज हमारे पैसे जो बच रहे हैं आज हम टैक्सी से चलते हैं और कल हम बस से जाएंगे। तो इस वजह से वीकर इनकम इफेक्ट बोलते हैं, मतलब डिमांड कम होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितना हम सोच के चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी डिमांड क्या रही, कम रही, इसको हम पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हम, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो यहाँ पे भी प्राइस क्या हो रहे थे, डिक्रीज ही कर रही हूँ मैं।
अब मेरे प्राइस डिक्रीज होने से मैं क्या करती भाई, मे भी रोड साइड स्टॉल से मैं वीक में एक दो दिन खाना खा रही थी, अब मैं क्या करूंगी वीक में पूरे दिन खाना खा सकती हूँ। जो मैं रोड साइड स्टॉल्स के फूड है वो मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि पहले वो सस्ते में महंगा मिल रहा था, अब उसके प्राइस कम होने पे मैं वो चीज ज्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कहते हैं यही कि सस्ते की तरफ चल। तो यहाँ पे भी कैसा इम्पैक्ट दिख रहा है आपको, निगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है। हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे मेरा जो होगा ये क्या हो जाएगी, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग। इनकम इफेक्ट कैसा रहता है, यहाँ पे वीक। अब हमने थर्ड पढ़ा था प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है भाई, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। दोनों चीजों को कंबाइन करके देखते हैं हम, इनकम को भी और सब्स्टिट्यूशन को। अब आप देखो प्राइस तो मेरा कम ही हो रहा है, यहाँ पे भी कम हो रहा है, यहाँ पे भी कम हो रहा है। तो प्राइस कम होने से डिमांड देखो बढ़ रही है या कम हो रही है, यहाँ पे ये थोड़ी सी कम हो रही थी इन द केस ऑफ इनकम इफेक्ट। बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हो रहा था, प्राइस डिमांड मेरी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो इन शॉर्ट मैं बोलूंगी प्राइस कम होने से मेरी डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। और यहाँ पे मैं साइंस को देखूँ तो यहाँ पे साइंस मेरे कैसे है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब प्राइस इफेक्ट भी इस केस में कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि कब नेगेटिव रहती है क्या चीज और कब क्या चीज पॉजिटिव रहती है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि इस केस में क्या चीज रहने वाली है। अब एक चीज और मैं आपको समझा देती हूँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव रहता है, बट अगर पेपर में क्रॉस गुड्स के लिए पूछा जाता है, क्रॉस गुड माने क्या होता है, इसके बदले का सब्स्टिट्यूट। अगर मैं फॉर सपोज आप कहो कि मैं रोड साइड स्ट्रीट फूड की ही बात कर रही हूँ, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रहा है तो उसी की डिमांड बढ़ेगी ना, जो उसके साथ वाला क्रॉस गुड होगा। क्रॉस गुड कुछ भी ले लो, चाउमिन का ले लो, पिज्जा ले लो, कुछ भी ले लो, आप स्ट्रीट फूड ही ले रही हूँ मैं, अगर चाउमिन के ही प्राइस गिर रहे हैं तो आप बताओ पिज्जा की डिमांड बढ़ेगी, नहीं ना, पिज्जा की डिमांड तो क्या होगी, कम ही हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस गिरने से डिमांड यहाँ पे क्या हो रही है, पिज्जा की भाई गिर ही रही है। तो इस केस में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है इन द केस ऑफ क्रॉस गुड्स। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में भी समझा रखी है। देखिए इनकम इफेक्ट कैसा रहता है भाई, वीकर रहता है, निगेटिव रहता है, वीक रहता है, मतलब इनकम बढ़ने से कंज्यूमर जो है डिमांड गिराते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं थोड़ी सी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा रहता है, ये भी निगेटिव रहता है, किसके केस में, फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में पॉजिटिव रहता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। और प्राइस इफेक्ट हमारा कैसा रहता है, निगेटिव रहता है। ये कैसे समझे भाई, साइंस का डायरेक्शन देख के समझना है आपको कि इट विल बी वेदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये हमारा था आज इंफीरियर गुड्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है गिफ्विन गुड्स। गिफ्विन गुड्स जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एक तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है भाई, इसको तोड़ता है, किस चीज को तोड़ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड को क्रॉस करता है, कि जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में बात करी थी कि प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है, ये इस चीज को कहता है गलत साबित, प्रूव करता है कि ऐसा नहीं होता है। ये चीज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी कि ऐसा क्यों। पहली बात, इस चीज को हम गिफ्विन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हमें किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है, सर रॉबर्ट गिफिन जी ने दिया था। कब दिया था ये, 1837 से 1910 के बीच में ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। ये गुड्स भी सारे के सारे, जितने भी इंफीरियर गुड्स होते हैं, जितने भी गिफिन गुड्स होंगे, वो सारे के सारे पहले पता है इंफीरियर गुड्स होंगे। ये आपको बात को याद रखना है। अब गिफिन गुड्स वो होते हैं जिन पे कंज्यूमर बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा होता है अपनी टोटल अर्निंग्स को, मतलब जितनी भी वो कमाई कर रहा है उसका बहुत सारा पार्ट वो इन गुड्स पे स्पेंड करता है। दीज आर दी लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट। ये ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट नहीं होते, इन्फीरियर क्वालिटी के ही प्रोडक्ट्स होते हैं, लो इनकम ग्रुप लोगों के लिए ही बने होते हैं, ठीक है। अब ये गुड्स वो होते हैं जैसे कि फॉर सपोज, ये भी मैं आपको एग्जांपल देके ही समझाऊंगी, जैसे हमारा इंफीरियर गुड्स में अप्लाई हो रहा था, सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखा है।
फॉर सपोज एक इंफीरियर कमोडिटी है और एक सुपीरियर कमोडिटी है. मैंने यहाँ पे सपोज किया है कि फॉर सपोज मेज जो है इंफीरियर कमोडिटी है और जो राइस है चावल जो है वो हमारा क्या है सुपीरियर कमोडिटी है. अब आप मुझे खुद बात बताओ, मैं और नीचे आ जाती हूँ, यही चीज इनकम इफेक्ट में ही कंटिन्यू करती हूँ. मैं इनकम इफेक्ट ही आपको समझाती हूँ, मैं थ्योरी की तरफ आपको बाद में लेके जाऊँ. मैंने प्राइस कम कर दिए, किस चीज के प्राइस कम कर दिए भाई, मेज के प्राइस कम कर दिए. मैं मेज मेरे लिए इंफीरियर गुड है और जो राइस है वो मेरे लिए एक सुपीरियर कमोडिटी है, ठीक है. अब मैं रोज की रोज ही अपने घर में क्या खा रही हूँ भाई, मेज कंज्यूम कर रही हूँ. डेली बेसिस पे मेरे घर में मेज आता है, ठीक है. अब आप खुद बताओ, आप मेज खा खा के बोर हो जाओगे ना, एक टाइम तो ऐसा आता है कि हम बोर हो जाते हैं, लेकिन मेरी इनकम ही नहीं है तो मैं मेज के अलावा और कुछ कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ. अब मेज के प्राइस भी डाउन हो गए, जितने पे मेज बिकता था अब उससे भी ज्यादा वो हाफ रेट पे मेज बिक रहा है. अब क्या करोगे आप, इस वजह से जब मेज के प्राइस डाउन हुए तो उस कंज्यूमर की क्या हुई, रियल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई. जब मेरी रियल इनकम बढ़ गई तो अब मैं सोचूंगी कि भाई मैं बहुत खा चुकी मेज, अब मैं क्या करूंगी, रोज ही मेज खा रही हूँ, अब मैं कुछ अच्छा प्रिफर करूंगी क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई, मेरी खरीदने की क्षमता बढ़ गई. तो मैं क्या करूंगी भाई, राइस को खाना स्टार्ट कर दूंगी. उस केस में जो होगा, राइस की डिमांड बढ़ जाएगी, बल्कि मेज की डिमांड क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, क्योंकि मैं मेज खा खा के पक चुकी हूँ, मैं रोज ही मेज खा रही हूँ. तो इस केस में जब मेज के प्राइस कम हुए तो वहां पे मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई. परचेसिंग पावर बढ़ने के बाद मैंने इसकी डिमांड बिल्कुल गिरा दी, मेज खाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब मैं ना के बराबर खाऊंगी. और मैं उस चीज को कहा, जो मेरा पैसा बचा मेज खाने के, मेज ना खाकर जो मैं पैसा बचा रही हूँ वो मैं कहाँ लगा सकती हूँ, राइस कंज्यूम करने में लगा सकती हूँ. तो आप देखो यहाँ पे कैसे साइन जा रहे हैं भाई, रियल इनकम और डिमांड के बीच में निगेटिव जा रहे हैं. और ये जो इनकम इफेक्ट होता है ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट होता है. यहाँ पे हम बहुत ज्यादा मेज की डिमांड को डिक्रीज कर देते तो हमें बहुत ज्यादा इसकी डिमांड पीछे की तरफ लेके आ जाओ, ठीक है. अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में भी सेम चीज होती है जैसे इंफीरियर गुड्स के केस में होता है, प्राइस गिराओ. अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो कहता ही है कि भाई जो सस्ता है उसको खरीदो. तो यहाँ पे जब मैंने प्राइस गिराया तो इस चीज की पर्टिकुलर क्या हुई, डिमांड बढ़ गई. अब यहाँ पे क्या हुई भाई, साइन कैसे हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो निगेटिव ही साउंड कर रहे हैं, यहाँ पे भी साइन निगेटिव ही है ना, निगेटिव साइन है. बट यहाँ पे क्या रहता है, वीकर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रहता है. मतलब गिफ्ट गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. मेरी इनकम बढ़ने से मैं एकदम से गिफ्ट गुड्स की डिमांड गिरा दूंगी, बहुत ज्यादा गिरा दूंगी, ठीक है. तो बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट कहने को होता है. और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या रहता है, इस केस में वीकर रहता है. अब हम बात करेंगे प्राइस इफेक्ट की. प्राइस इफेक्ट इन दोनों का ही कॉम्बो होता है, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ा. अब आप देखो प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की केस में डिमांड बढ़ रही है ना, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ती, बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ेगी. इनकम इफेक्ट आपको बहुत पीछे ले आया, आपने बिल्कुल मेज की डिमांड घटा दी, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आपने थोड़ी सी डिमांड बढ़ा दी. अब देखते हैं यहाँ पे प्राइस, तो देखो दोनों के केस में गिर रहे हैं, तो प्राइस तो भाई मेरे गिर ही रहे हैं. डिमांड पे क्या असर हो रहा है, चेक करो अब आप डिमांड पे क्या असर हो रहा है. यहाँ मैं बहुत पीछे आ जा रही हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूँ. तो मैं अगर चेकआउट करूँ, यहाँ पे मैं बहुत पीछे आ जा रही हूँ, थोड़ा सा आगे जा रही हूँ. चेकआउट करने पे नेट रिजल्ट, नेट इफेक्ट चेक करने पे क्या हो रहा है भाई, पीछे की तरफ ही आ रहा है हमारा. तो ये क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट. डिमांड क्या हो रही है मेरी, घटी हुई है, है ना. डिमांड क्या हो रही है, पीछे की तरफ ही जा रही है, घटी हुई है. तो प्राइस इफेक्ट कैसा रहा है आपका यहाँ पे, अगर आप चेक करो, सेम साइन है, सेम साइन की वजह से मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ द गिफ्ट गुड्स. प्राइस इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव है इन द केस ऑफ गिफ्ट गुड्स. इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से डिमांड बिल्कुल पीछे ले आया मेज की. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो कहते ही है भैया जो सस्ता बिक रहा है उसे दे दो, तो इस वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मेरी डिमांड को थोड़ा सा आगे लेके गया, वीकर था यहाँ पे. और प्राइस इफेक्ट दोनों का कॉम्बो होता है, दोनों ही केसेस में प्राइस गिर रहे हैं और डिमांड अगर मैं नेट इवेल्युएट करूँ तो डिमांड भी मेरी पीछे की तरफ ही जा रही है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट.
तो दैट्स व्हाई इन दिस केस प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो यही चीज मैंने आपको इस चार्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहता है स्ट्रॉन्ग, कैसा स्ट्रॉन्ग। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव रहेगा बट वीकर, थोड़ा सा वीक रहता है। और प्राइस इफेक्ट मेरा ओवरऑल चेक कर तो पॉजिटिव रहता है क्योंकि प्राइस गिरने पे डिमांड भी गिरती है, दैट्स व्हाई प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ डिफरेंट। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जो मैंने अभी आपको मेज और राइस समझाया वही चीज मैंने आपको यहाँ पे इलाबरेट कर रखी है, आप ये घर से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे भी गिफ्ट गुड्स में वही चीज बता रखी है कि गिफ्ट गुड्स आर दोज गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स क्वाइट ऑफन लेस क्वांटिटीज परचेज। प्राइस गिरने पे भी आप उसकी कमी चीज खरीदते हो, ज्यादा नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट की वजह से पीपल क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं कि वो सुपीरियर कॉमोडिटी पे एक्सपेंस करना स्टार्ट करें, मैं मेज ना कंज्यूम करके। यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, क्या करूंगी, राइस कंज्यूम करना स्टार्ट करूंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द गिफ्ट गुड्स एंड इनफीरियर गुड्स। अब हमारा प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट होता है, आई होप कि आपको दोनों चीजें समझ आ गई हो। तो देखते हैं क्वेश्चंस आज के क्या कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है। पहले बात तो मुझे बता दो कि इनफीरियर गुड्स में स्पेंड करते हैं हम बहुत ज्यादा या गिफ्ट गुड्स में स्पेंड करते हैं, इसका एग्जाम्पल आप ही दे दोगे शायद, है ना। निगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो होता है वो ओवरवेल्म कर देता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को। नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है। अब इनकम इफेक्ट कहाँ ज्यादा होता है ये भी आपको पता है भाई, इनकम इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इनकम इफेक्ट कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में, गिफ्ट गुड्स के केस में या इनफीरियर गुड्स के केस में। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, एक तो सबसे पहले हिंट आपको यही मिल रही है कि कंज्यूमर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में। और दूसरी चीज ये दे रखी है कि हमारा इनकम इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ओवरवेल्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका एग्जांपल साफ सीधा दिख रहा है, मैं नहीं बता रही हूँ आपको, आप ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, आप बताइएगा क्या है। ये वाला मैं करा देती हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अब आप देखो इसमें मैच करना है मुझे। इफ इनकम नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ पे वो कह रहा है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो ज्यादा है किस चीज से, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ये पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ रहे आप क्यों लिखा, ये क्रॉस वाले की बात कर रहा है, ये क्रॉस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए जो मैंने आपको मेंशन भी कराया था, समझाया भी था एग्जाम्पल देके। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट ज्यादा है किसके केस में ज्यादा रहता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कहाँ रहता है, इन्फीरियर में और गिफिन में। सीधा सीधा है भाई, इसका आंसर क्या होगा, गिफिन होगा। तो यहाँ पे तो थर्ड वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे, एक ही दे रखा है। इफ नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन, कहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट कम रहता है, लेस देन रहता है, कहाँ पे वीक होता है बताओ। लेस देन मतलब क्या हो गया, वीक रहता है, वो रहता है मेरा इनफीरियर कुछ के केस में। तो बी का क्या ऑप्शन हो गया, टू। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया डी। कुछ नहीं करना था, दो आपको चीजें बता रखी थी और चार आपको ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से राइट टू ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने थे। तो आपको सिर्फ मतलब समझना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। थर्ड वन इज, ये भी आपको बताना है, ये भी बहुत इजी है कि लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल इन केस ऑफ, इन चारों के केस में कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, मतलब कहाँ पे ऐसी चीज है कि प्राइस गिरने पे डिमांड भी गिरती है, इन तीनों के केस में कहाँ पे आपको लगता है, ये भी आपका आज का होमवर्क रहने वाला है। तो आई जस्ट होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई हो। हमने नॉर्मल इन्फीरियर गिफ्ट गुड्स के केस में सारे इफेक्ट्स को कवर कर लिया है। इस वीडियो को भी शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंच सके। और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स और लेके आने वाली हूँ मैं आपके लिए। अगली वीडियो हमारी होने वाली है एक ओलिगोपोली के मॉडल्स के ऊपर, और मैंने एक डिविडेंड का थ्योरी और करानी है आपको, रेसिडुअल थ्योरी जो हमारी बच रही है उन पे वीडियोस आएंगी अब नेक्स्ट। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, ऑल द बेस्ट।